अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सबसे पहले ये मार्किंग की है। अब हम आसन के लिए जो मार्जिन रखेंगे इसकी निशानदाही कर लेते हैं इस तरह से। ये देखें, निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से नीचे वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेते हैं। दो इंच नेफे के लिए कपड़ा रखा है और 20 इंच मार्जिन रखने के बाद बाकी कपड़े को फिलहाल कटिंग करेंगे। इस तरह से यह है जी हमारा ट्राउज़र। इसका हाफ कपड़ा हमने कटिंग कर दिया है और कुछ मार्जिन रखा है हमने प्लेट्स डालने के लिए। इसे हम बाद में प्लेट्स डालने के बाद अटैच करेंगे। ये है जी हमारा बाकी का कपड़ा, इसे दरमियान में कटिंग कर लेते हैं। ये बाद में हम ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले हम ट्राउज़र का जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे हम लेस अटैच करेंगे। इस तरह कपड़े की सीधी वाली साइड पे लेस को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा उल्टा है, लेस की उल्टी साइड है, नीचे वाली सीधी साइड है। इस तरह हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम लेस अटैच कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने एक तरफ लेस अटैच कर ली है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लेस अटैच कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखें जी, दूसरी तरफ भी हमारी लेस अटैच हो चुकी है। ये देखें जी, इस तरह से दोनों तरफ हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब ये जो कपड़ा हमने ट्राउज़र के नीचे वाले हिस्से से इस तरह से कटिंग किया है इस पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह निशान लगाएंगे, तिरछे निशान लगा लेंगे और इस पे प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से तिरछे प्लेट्स डाल लेंगे। देखिए, इस तरह टोटल कपड़े पे हम प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स बिल्कुल बारीक बारीक डालेंगे। ये देखें जी, प्लेट्स हमारे डल चुके हैं। दोनों साइडों पे हमने प्लेट्स डाल लिए हैं। ये देखें, ये दूसरा कपड़ा है। अब हम इसे ट्राउज़र के नीचे वाले हिस्से के साथ अटैच करेंगे। इस तरह इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करके नीचे वाले हिस्से के बिल्कुल साथ रखेंगे इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम नीचे पांचे का नाप लेंगे। 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
अब हम इस निशान को स्लैश के निशान के साथ बिल्कुल मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग हमने कर दी है। अब हम इसे इस तरह सीधा करेंगे, हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इस ऊपर वाले हिस्से को इस तरह नीचे वाले हिस्से के साथ रखते हुए दोनों को आपस में अटैच करेंगे। ये देखें जी, ये नीचे वाला हिस्सा है और ये ऊपर जो जहाँ पे हमने लेस अटैच की थी ये वो वाला हिस्सा है। अब हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से पिंटेक्स वाले कपड़े को ट्राउज़र वाले कपड़े के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से टोटल सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये देखें जी, इस तरह से हमने नीचे पिंटेक्स वाले कपड़े को ट्राउज़र के साथ अटैच कर लिया है। अब हम नीचे पांचे पे लेस अटैच करेंगे, जिसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। लेस को इस तरह से उल्टा रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन कपड़े का अंदर दबाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लेस अटैच कर लेंगे। ये देखें जी, लेस हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम इस कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से तुरपाई हमने कर ली है। अब हम इसकी अंदर वाली सिलाई लगाएंगे, यानी कि ट्राउज़र की फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसे डबल कर लेंगे और टोटल सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। ये है जी हमारी ट्राउज़र की फाइनल लुक, ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन।